बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बीफ ब्रेन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी वे से बनाऊंगी। वेलकम टू किचन दक्सा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बीफ ब्रेन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। हाफ कप ऑयल, 3 मीडियम साइज के ब्रीक कटे हुए प्याज, 1 बीफ ब्रेन, इसको अच्छे से साफ करके वॉश कर लें, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट, 15 मेरे पास चॉप हरी मिर्चें थी, आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, 3/4 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड मीट, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 अंडे गार्निश में, 4 टेबलस्पून धनिया का। सो आइए जी कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चूल्हा चला लिया, फ्लेम मीडियम पे कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल और ऑयल को गर्म होने का वेट करेंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, 3 मीडियम साइज के ब्रीक कटे हुए प्याज ऐड करके इनको हम फ्राई कर लेंगे, लाइट सा ब्राउन कर लें या फिर इसको हल्के से सोते कर लें। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी आप अटैम्प्ट करना चाहें। मैंने इनको सोते किए थे। देन जी हम इसमें ऐड करेंगे बीफ ब्रेन और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से भुनाई करेंगे कि जो ब्रेन में पानी है वो भी ड्राई हो जाए और इसका कलर भी जो है ना वो चेंज हो जाए। ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट लगे थे मैंने जो है ना ब्रेन उसको फ्राई कर लिया था। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट ऐड किया है, 15 मैंने चॉप हरी मिर्चें, 1 टीस्पून रेड मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और देन मैंने 3/4 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। सारे मसाले डालने के बाद हम इसको कुक करेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे कि टमाटर का पानी ड्राई हो जाए और अच्छे से मसाले जो है ना वो कुक हो जाए। अभी जो है ना वो टमाटर का पानी आपने कवर करके ड्राई नहीं करना है, ऐसे ही ड्राई करना है, क्योंकि ब्रेन जो है ना पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ये एज अ लाइक कह लो कि एग कुक होता है। अभी टमाटर का पानी हाफ ड्राई हो चुका था, देन मैंने इसमें 2 एग डाल दिए हैं और अब हम एग को भी स्क्रैम्बल कर लेंगे और इसमें अच्छे से कुक होने देंगे। और इतनी देर में जितना भी टमाटर का मॉइस्चर था ना वो भी ड्राई हो जाएगा, एग भी हमारा कुक हो जाएगा। अब आप चूल्हे की फ्लेम पे को लो पे कर देंगे या बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि अभी इसमें ऑयल रिलीज नहीं हुआ। ऑयल रिलीज तभी होगा जब इसको आप बंद करेंगे, तो थोड़ी देर बाद इसमें ऑयल रिलीज हो जाएगा। एग भी कुक हो चुके थे, अब मैंने इसमें ऐड किया है 4 टेबल स्पून के करीब ग्रीन धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और डिश आउट करते हुए आप देखेंगे कि तो 10 मिनट बाद ना इसमें से ऑयल खुद ब खुद रिलीज हो गया था। ये रेसिपी 4 पर्सन के लिए इनफ है। होप सो बीफ ब्रेन की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लास्ट भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।